हरे कृष्णा। ये जगन्नाथ जगन्नाथ रथ यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू हुई है। ये न्यूयॉर्क में दो भक्त लोग शॉपिंग करने गए थे, वहाँ से जगन्नाथ जी एक बार छोटे से थे, वो शॉपिंग से खिलौने के हिसाब से लाए, और बाद में प्रभुपाद जी बताया कि ये अच्छी चीज़ मिली है, प्रभुपाद ने तो भगवान ले आए हैं। प्रभुपाद ने बोला तो जाओ इसी दुकान पर जाओ और दो और मूर्ति होगी, तो उसके हिसाब से मूर्ति लाए प्रभुपाद जी और भक्त लोग। बाद में प्रभुपाद ने एक भक्त को कहा कि इस प्रकार की मूर्ति बना सकते हैं बड़े पैमाने पे बड़ी मात्रा में, तो हम मतलब ये बड़ी मात्रा में बनाएंगे। तो प्रभुपाद ने वो भक्तों को बुलाया तो बड़े बुलंद के बनाए हैं, उसके लकड़ी के वो बनाए हैं, और उसको उन्हें बोला है कि हाँ बनाए। बनाने के बाद में रथ यात्रा स्टार्ट हुई उस समय से। ये जगन्नाथ जी का रोड बड़ा है, जगन्नाथ जी का पेड़ बड़ा है, जगन्नाथ का ड्रेस बड़ा है, जगन्नाथ का मुकुट बड़ा है, और भगवान के इतने सुंदर रूप होता है उस दिन। जैसे आप जगन्नाथ पुरी गाए जाते हैं, पूरे लाखों लोग पब्लिक होते हैं, इस्कॉन के द्वारा भी ये लाखों से करोड़ पब्लिक, वो एक दिन की रथ यात्रा होती है यहाँ हर महीने में और हर रोज यात्रा। परसों रथ यात्रा हुई, आज पेपर में आया है नाला सोपारा में, और परसों नाला सोपारा में और है एक रथ यात्रा। तो ये महिमा हम भी सोच रहे थे कि जगन्नाथपुरी में एक दिन होता है, यहाँ तो इस्कॉन द्वारा हर रोज रथ यात्रा होती है, ये क्या महिमा है। प्रभुपाद जी की बड़े विशेष महिमा है इस बात की कि ये बहुत धन्यवाद बोलना पड़ेगा कि हम लोगों को जुड़ा रहे हैं। और जहाँ तक ये प्रसाद है, भगवान का भोग लगता है सबसे पहले, और ब्राह्मण लोग बनाते हैं, जो दीक्षित है वही लोग भगवान का भोग बना के प्रसाद वितरण करते हैं। और लाखों की जनसंख्या में, अभी पिछले महीने हमने मकर संक्रांति थी, सब लोग जानते हैं 1,11,000 आदमी को प्रसाद खिलाया, और लोगों को दिन पे दिन हमारे को डिमांड बढ़ रही है कि हमारा प्रसाद देना, हमारे को प्रसाद देना। हमें उतना आगे के लिए सोच पड़ रहा है कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ा जगह चाहिए, बड़ा बर्तन चाहिए, बड़े रिक्वायरमेंट गाड़ियाँ चाहिए, तो उसके लिए हम भी विचार कर रहे हैं। ये जगन्नाथ जी की महिमा बहुत बड़ी चल रही है, और ये हमारा फूड फॉर लाइफ जो प्रोग्राम है, ये प्रभुपाद ने हमारे को ऐसा शिक्षा दे दी है कि ये आगे बढ़े, उनकी मेहरबानी से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम पहले स्टार्ट में 11,000 आदमी का काम किया था, एक महाराज बोले थे कि 11,000 आदमी का प्रसाद देना है, तो उस समय हमें बड़े लग रहे थे 11,000 आदमी कैसे कर पाएंगे, अब 1,100,000 कर सकते हैं, इसी इतना हमारी में एनर्जी आ गई है जो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए जगह चाहिए और आगे आदमी टीम वर्क बना, आगे के लिए हम सोच रहे हैं कि ये प्रसाद सबको मिले, लोग आए और इसको उनके द्वारा जुड़े। जहाँ जहाँ ये प्रसाद खाया, एक बार का उदाहरण बताता हूँ कि बॉम्बे सेंटर है, वहाँ पे सेंटर के ऊपर दो भक्त लोग चोरी करने आए थे बॉम्बे में, उनके पास टिकट नहीं था, और टिकट लेने के बाद में वो पुलिस लोग इधर रात को सोने नहीं देते, भगा देते हैं, इधर नहीं सोना उधर नहीं बैठना, किधर से आया क्या है ऐसा सब पूछ रहे थे। तो रात को नहीं खाया, भूख लग रही थी, उधर से गाड़ी निकल रही थी हरे कृष्ण की, अपने फुटफुल लाइफ की गाड़ी गई निकली, तो वहाँ पे वो चोर लोगों का भी विश्वास आगे बढ़ गया, तो यहाँ लिखे थे हरे कृष्ण ढूंढ रहे, तो उसने एक लेटर लिखा, मैं पेट भर के खाया, रात को भूखा सोया, पेट भर के खाया, आपको मैं चोर हूँ, 5 रुपये के 25 टुकड़े हैं, स्टिकर लगा के लेकिन मैंने कहा चोर की भावना तो कम से कम दान देने की हुई है, कोई बात नहीं, 25 टुकड़े भी मैंने कभी अवेयर के रखा है कोई जगह है, पर बहुत टाइम हो गया है उसके अंदर। तो चोरों की भावना बदल सकती है, तो इंसान है हम जो रोज जप करते हैं, सिखा रहे हैं लोगों को आगे गीता प्रवचन भागवतम प्रवचन सुन रहे हैं, तो उनकी भावना और आगे बढ़ जाएगी। जगन्नाथ जी बहुत दयालु है, और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा रोज निकले, हर महीने निकले, जहाँ पे अभी अलग अलग सेंटर है, वो इस महिमा को आगे क्यों बढ़ रही है, लोग इकट्ठे होते हैं, आज बुलाने जाएंगे तो लोग को टाइम नहीं है, बोलेंगे लोग बोल नहीं सकते, आ नहीं सकते हैं, पर ऐसे पर्व में समझो कि चलो जगन्नाथ यात्रा अपन पूरी नहीं जा सकते हैं तो कम से कम यहाँ पड़ोस में है यात्रा करने जाए और भगवान का रथ खींचें। वो भगवान के रथ के अंदर एक ताकत लिखी हुई है कि
कि जो एक बार रथ खींचेगा उसको मुक्ति जरूर प्राप्त होगी। तो हर आदमी को मुक्ति चाहिए, तो हर आदमी सोचता है कि एक बार खींचने से ये सब प्राप्त होती है, तो बहुत कुछ है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।